आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट इंडियन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इंडिया में काफी अच्छे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा पब्लिक सर्विस दिया है, और आज इन ऑफिसरों की वजह से इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल में है। तो आइए जानते हैं ऐसे ऑफिसर्स के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे आईएएस, आप इनको मिराकल मैन के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने बनाया मणिपुर में पीपल्स रोड। जी हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिसाइड किया था कि वह 100 किलोमीटर रोड बनाएंगे खुद के बलबूते पे, जो लिंक करेगा मणिपुर और नागालैंड और आसाम के बीच में। ऋतु महेश्वरी आईएएस, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 99% ऑफ विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, 60% हाउसेस में होता है। जैसे इन्होंने चार्ज लिया कैस्को 2011 में, इन्होंने नए मीटर्स इंस्टॉल किए जो 1/3 कंपनी का डेटाबेस होता है, और इतना ही नहीं, ये डिवाइसेस जो है डिजिटली रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ, साथ ही साथ अगर कोई लीक है तो वो रियल टाइम में बता देता है। विनोद राय आईएएस 1972 बैच से बिलोंग करते हैं, केरला से। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था सब कलेक्टर त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त रोल प्ले किया था एक्सपोज करने में करप्शन स्कैंडल, स्कैम इंक्लूडिंग कोलगेट स्कैम, स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और पद्मभस्वामी टेम्पल ऑडिट। के विजय कुमार आईपीएस, ये एक घरेलू नाम बन चुका था 2004 में, क्योंकि इन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स लीड किया था वीरप्पन को मारने में, बहुत ही केयरफुली प्लान किया था इन्होंने ये ऑपरेशन। फिलहाल विजय कुमार रिटायर्ड है आईपीएस से, और फिलहाल ये एडवाइज़र है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। रूपा दिवाकर मुडगिल आईपीएस, ये पहली लेडी पुलिस ऑफिसर थी नेशन में जो हेड कर रही थी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिवीजन इन 2013। इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनको सिलेक्ट किया टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्कवर इजराइल डेलीगेशन टू प्रमोट टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। गुड टू नो डिड यू नो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार अहमद शेख, और यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर जो है सफीन हसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।